हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो चलिए बात करने वाले हैं मालती चौहान के बारे में, जो इस टाइम सोशल मीडिया पे इन्हीं की बात चल रही है। चलेगी क्यों नहीं, कुछ ऐसा काम ही हो गया। लेकिन जहाँ तक मुझे ऐसा पूरा अपना नॉलेज ऐसा लग रहा है, मतलब एक औरत हो के जो पूरी तरह लग रहा है कि विष्णुराज जो है ना, वो पूरा मालती के साथ एक गेम प्लान करके खेल रहा है। आप ही सोचो, कोई भी पति मतलब इतना जल्दी कैसे डिसीजन ले सकता है। माना मालती बोल रही, मालती देखो 100% सही है, वो गलत की है, लेकिन वो गलत बहुत लोग तो गलत करके एक्सेप्ट नहीं करते, मगर मालती ऐसी औरत है। वो मैं मालती में, मैं मालती के फेवर में हूँ, मगर मालती गलत करके भी बोल रही, हाँ मैं गलत की हूँ और जो भी मैंने किया है। लेकिन कोई भी पति कैसे तुरंत शादी करवा सकता है। कहीं ना कहीं विष्णुराज जो है उसका कुछ फायदा तो है। देखो, सबको पता है विष्णुराज का चक्कर राधा से था, और बिना सबूत के मालती तो बोलेगी नहीं, क्योंकि मालती जो बोलती है ना वो सही बोलती है। वो उसको सब फुहरी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, मतलब बोलते ही हैं उसको, बहुत नाम देते हैं। और एक ही रात में कौन शादी, पहले बुलाते हैं चलो समझौता करवाते हैं, फिर तुरंत से बुला के रात को ही रात शादी करवा देते हैं। कहीं ना कहीं विष्णुराज जो बस दिखा रहा है ना कि अरे मुझे दुख है, उसको एक रत्ती भर भी दुख नहीं। अगर उसको दुख रहता ना तो थोड़ा टाइम देता गलती की मालती, तो उसको थोड़ा हाँ चलो सुधार करते हैं, मतलब हो जाता है आजकल नॉर्मल चीज़ है, हो जाता लगाव किसी से भी, उसको शादी में नहीं बदलते। मगर विष्णुराज जानबूझ के सोचा कि ऐसे शादी करवा दूंगा और फिर मेरा पल्ला तो छूट जाएगा। और देखो मालती फिर आके लाई वीडियो डाल के बोल भी रही है कि क्या इतनी जल्दी शादी करने का था, ये सब पूरा गेम खेल रहा है विष्णु, कहीं ना कहीं उसके माइंड में चल रहा। और वो सही भी बोल रही अभी या मायके वाले या दुनिया समाज, जब मुझे विष्णुराज इतना मारता था पीटता था तो उस टाइम सबको नहीं दिखता था, अभी मैंने गलती कर दिया तो मेरे ऊपर उंगली पे उंगली उठ रही है। और जब मुझे मारता था विष्णुराज तब मेरे मायके वाले भी कब क्यों खड़े नहीं होते। सही बात, अगर जिस हिसाब से विष्णुराज उसको मारता था या परेशान करता था, अगर मायके वाला ढंग से खड़ा भी हो जाता तो इतना हिम्मत नहीं था कि विष्णुराज मारता। देखो पूरे पैसे का गेम तो मालती की वजह से ही विष्णु की ज़िंदगी में आया, और मतलब ये क्या था, उसी की इज्जत का वाट लगा दिया। और मालती का देखा जाए तो मालती इस टाइम कहाँ है सब पता है विष्णु को, और बस वो नाटक कर रहा है ऐसे कि मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। अब गोरखपुरिया भौजी का तो अलग ही रहता है, वो तो हर मतलब हर टॉपिक को बढ़ा चढ़ा के बोलती है, मेरे साथ धोखा रहा, तुम्हारे साथ क्या गोरखपुरिया बहूजी गलती हुआ, तुम्हारे साथ कुछ गलत वलत नहीं हुआ, तुमको तो अच्छा खासा व्यूज़ मिल रहा है, वीडियो डाल रहे हो, नोट पे नोट आपका बन रहा है, और फालतू का वो कूद रही है मेरे साथ गलत गलत। तो देखो मालती के साथ हुआ है और ये सब समझेंगे धीरे धीरे। मैं अपना एक तरह के सोच बोल रही हूँ कि पूरा तरह मालती को फंसा के लोग बर्बाद कर दिए उसको अपना, और कुछ एक दो साल में आप सच में देखेंगे विष्णुराज जिससे प्यार करता था उसी से शादी करेगा। तो इसमें आपकी क्या राय है, आपको कौन गलत लग रहा है? गलत देखिए मालती तो कर चुकी है, मगर पूरा बहुत ज़्यादा गलती विष्णुराज की गलती है, और जो नकारा नहीं जाता, उसको थोड़ा भी अपने बच्चे से प्यार रहता ना, कभी इतना बड़ा कदम नहीं उठाता जानबूझ के। एक रात में ही वो मायके गई थी, मायके छोड़ दिया था, कुछ दिन आराम से रहती सब ठीक हो जाता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपकी क्या राय है ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, रखिए अपना ख्याल।